हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैसा वीडियो में। मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ मैथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ। तीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 5/3 मल्टीप्लाई 7/51 ऑफ दिया हुआ है मेरा का दिया हुआ है 17/5 माइनस 1/3 बटे में दिया हुआ है 2/9 गुणे 5/7 का दिया हुआ है और 28/5 माइनस 2/3। तो ये जो है बोडोमस के नियम से हल होगा। तो इसमें जो है बोडोमस का नियम लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। दिया हुआ है 5/3 मल्टीप्लाई 7/51। तो सबसे पहले बोडोमस का नियम है, सबसे पहले हल होता है बोडोमस का नियम है। सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर उसके बाद का हल होता है, उसके बाद डिवाइडेड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद एडिशन होता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले जो है मतलब ब्रैकेट है नहीं, इसमें ब्रैकेट के बाद का हल होगा। मतलब इसमें का दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ये का मतलब मल्टीप्लाई होता है 17/5 और माइनस 1/3 बटे में दिया हुआ है 2/9 मल्टीप्लाई कोष्टक में लिख लेंगे इसे 5/7 का हल का को मतलब गुणा मानेंगे हम 28/5 कोष्टक बंद माइनस 2/3। तो इसे देखिए कैसे हल करेंगे हम। 5/3 लिखेंगे ज्यों का त्यों मल्टीप्लाई, इसे हल कर लेंगे हम 17 से काटेंगे 51, 17 3 51 और 7 का गुणा करेगा तो 100 आएगा 7/, नीचे गुणा होगा 5 3 15 हो जाएगा माइनस का 1/3 भागे इस ऐसे ही इसे हल करेंगे हम 7 4 28 हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 2/3। फिर देखिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फिर ये हल होगा, मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा। तो ऐसे हम काटेंगे 5 3 15 ऐसे ही इसे हल करेंगे, ऐसे हम इसे लिखेंगे हम 7/3 3 3 9 हो जाएगा ये माइनस का 1/3 भागे 4 2 8 हो जाएगा ये 8/9 माइनस का 2/3। अब इसे हल कर लेंगे हम, इसे जो है यहाँ पे हल करा दे रहा हूँ मैं। इसका जो है एलसीएम लेंगे हम 9 3 का एलसीएम आएगा 9, तो 9 1 9 ये हो जाएगा 7 माइनस का 3 से 9 कटेगा 3 3 1 9 3 का 1 मौका हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/, इसका एलसीएम आएगा 9 9 1 9 8 8 8 हो जाएगा ये माइनस का 3 3 1 9 और 3 2 6 हो जाएगा ये यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ये 7 में से 3 का 4 बटे 7 में से 3 का 4 आ जाएगा, 8 में से 6 का 2 तो 2 2 4 तो 2 इसका जो है आंसर आएगा, इसका जो है 2 आंसर आएगा, इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका मतलब 2 आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने जो है हल करा दिया है आप सभी को। अब जो है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसे देखिए कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले जो है इसका अंदर का ब्रैकेट हल करेंगे हम। दिया हुआ है 1 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस मंझला कोष्टक 2 प्लस छोटा कोष्टक माइनस 5 प्लस 6 और माइनस का 2 ब्रैकेट 1 2 मंझला कोष्टक और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इसे देखिए कैसे हल करेंगे हम। 1 माइनस ज्यों का त्यों लिखेंगे,
माइनस का 5 माइनस मझला कोष्टक 2 प्लस इसे जो है अंदर का कोष्टक हल कर लेंगे हम। इसे देखिए कैसे हल करेंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा, मतलब माइनस का 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो माइनस का 7 में से प्लस का 6 मतलब चला जाएगा, तो 7 में 6 का 1, तो माइनस का 1 आएगा अंदर, माइनस का जो है 1 आएगा अंदर और मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट बंद 1 माइनस 5 माइनस मझला कोष्टक 2 माइनस, देखिए 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में होगा तो जो है माइनस का 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद बड़ा कोष्टक बंद 1 माइनस 5 माइनस 2 2 जो है 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद 1 माइनस 5 में से 4 का 1 1 बचेगा प्लस का क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसका जो है 0 आंसर आएगा, इसका जो है 0 आंसर आएगा, इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, 0 आंसर आएगा इसका। तो मैंने जो है दूसरा क्वेश्चन आपको हल करा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा, मतलब त्रिकोण मिति से संबंधित क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर रूट थ्री, टेन थीटा बराबर रूट थ्री है, तो हमें थीटा का मान मतलब ज्ञात करना है, थीटा का मान मतलब क्या होगा, टेन थीटा बराबर रूट थ्री दिया हुआ है और थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा थीटा का मान ये हमें ज्ञात करना है, निकालना है। कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सभी को हल कराने जा रहा हूँ, त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए टेन थीटा बराबर दिया हुआ है रूट थ्री, तो देखिए टेन थीटा हम जो कहते हैं लिखेंगे इसे टेन थीटा बराबर जो रूट थ्री होता है, टेन 60 अंश का मान होता है रूट थ्री, टेन 60 अंश, टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बराबर, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा का मान हमें निकालने था, थीटा का मान जो है 60 डिग्री आ जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 अंश का मान होता है रूट थ्री, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैंने जो है आप सभी को हल करा दिए हैं तीनों क्वेश्चन, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कंपटीशन में कई बार पूछे गए थे, इन्हें जो है अच्छे से देख लीजिए आप सभी लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।